ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, हमारे पास में जो अगले क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं कि यहाँ से बोला जाता है कि यदि कोई भी राशि है आपको कितने 10 सालों के लिए कितना 10% की ब्याज की दर पे आप देते हैं। ब्याज की दर देखो कैसी बोली गई है, वार्षिक मतलब एनुअल रेट है इसका, इस पर दी जाती है। यदि इसी राशि को हम 5% की वार्षिक दर से हम देते तो हमें कितना ब्याज कम देना पड़ता। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि हमने कितनी राशि उधार ली। सपोज कर लो कि हमने जो राशि उधार ली कितने रुपए ली, हमने 100 रुपए। तो पहले वाले केस के लिए देखो क्या होगा, पहले वाले केस में हमने क्या किया कि हमारा टाइम कितना है 10 सालों के लिए, रेट कितना है हमारे पास में 10% का हमारे पास में रेट है। ठीक है, प्रिंसिपल हमने अमाउंट एज्यूम कर लिया कि भाई हमने कितना लिया 100 रुपये। तो ये काम करो, इसका पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो कितना होगा। तो जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने हम लोग जाएंगे तो आप लोगों को पता ही है इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 10/100। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो प्रिंसिपल यानी क्या, मूलधन दर और समय। तो आप सबसे पहले मूलधन रखिए कितना है 100 रुपये, रेट कितना है 10% का, और समय कितना है 10 सालों का। तो अभी आपको पता चलेगा कि भाई हमने कितना रुपए में ब्याज देना पड़ेगा, 100 रुपये हमें ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, इस केस के अंदर हमें 100 रुपये ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा केस निकालते हैं जो हमें क्वेश्चन में बोला गया कि भाई दूसरे केस में क्या होता है। दूसरे केस में हमें देखो टाइम दिया है कितना, सेम समय है 10 सालों के लिए, रेट कितना है 5% का रेट है, और मूलधन तो एज्यूम कर लिया, प्रिंसिपल अमाउंट तो हमने एज्यूम कर ही लिया है कि कितना 100 रुपये। तो अब इसके अंदर हम लोग इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट निकालते हैं कितना हुआ। तो प्रिंसिपल कितना हमारा 100 रुपये, रेट कितना 5% का, और टाइम कितना 10। तो अब ये डिवाइड करके देखिए आपको क्या मिलेगा, आई इक्वल टू कितना मिला 50 रुपये। तब देखो अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ हमें 100 रुपये देना पड़ रहा था, यहाँ हमें 50 रुपये देना पड़ रहा था। तब देखो हमें कितना ब्याज कम देना पड़ेगा। तो अभी क्या कर सकते हैं आप, पहले हमें कितना देना पड़ता है 100 रुपये, अभी कितना देना पड़ रहा है 50 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो कितना आएगा 50 रुपये। तो इसका मतलब हमें 50 रुपये ब्याज कम देना पड़ेगा। ठीक है, आया है ना। तो देखिए ये जो तरीका है इससे आप बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक ट्रिक और है। अगर आप ट्रिक का यूज़ करना चाहते हैं तो आप ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। देखिए ट्रिक में क्या कीजिए कि भाई प्रिंसिपल तो आपने कितना एज्यूम कर लो, आप 100 रुपये एज्यूम कर लो, टाइम भी आपको दे रखा है, चलो कितना दे रखा है 10 ईयर्स का, मतलब 10 सालों का टाइम आपको दे रखा है। तो जो रेट है, रेट देखो रेट को कैसे निकालेंगे, रेट पहले कितना था 10% का रेट था पहले वाले केस के लिए, दूसरे वाले केस के लिए कितना है 5% का रेट। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने तो अब कितना रेट बचेगा हमारे पास में, 5% हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था। ठीक है, 5% हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था। तो अभी इस 5% के लिए कितना ब्याज लगता है हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला वही है, PRT अपॉन 100। तो देखो अब कितना होगा, पी कितना हमारे पास में 100 रुपये, रेट कितना 5% का, टाइम कितना 10% 10 साल का। तो देखो इसको कट करिए कितना मिलेगा, आई इक्वल टू 50 रुपीज़। मतलब हमें सीधा सीधा पता चल गया कि हमें कितना रुपए कम देना है, 50 रुपये में कम देना पड़ेगा। तो देखिए ये एक तो ये तो है मेथड, और ये है आपका ट्रिक। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखो मैं तो प्रेफर ये करता हूँ कि आप मेथड का यूज़ करिए, क्योंकि मेथड को सॉल्व करके आज कभी गलती नहीं हो सकती। ट्रिक में देखिए कहीं ना कुछ गलती हो सकती है, आप भूल सकते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। ट्रिक हर ट्रिक को आपको याद रखना पड़ेगा, तो ट्रिक में कोई सेंस नहीं है। मेथड को फॉलो करिए, बहुत ईजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी एक दोबारा एक एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर मान लो ऐसा है तो
तो यहाँ पर देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, पहले केस के लिए 10 ईयर्स का, रेट कितना है आपके पास में 15% का रेट है, वो भी रेट कैसा है आपके पास में एनुअल रेट है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्या निकालना है, कितना ब्याज कम देना पड़ेगा। तो अभी हमें निकालना है, तो चलो हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं कितना 100 रुपये, कि भाई हमने 100 रुपये उधार लिया था। तो इस केस में देखो कितना ब्याज लगने वाला है, तो फॉर्मूला क्या था, PRT प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना लिया था हम लोगों ने 100 रुपये, रेट कितना है 15% का, टाइम कितना है हमारे पास में 10 साल का। तो इस केस में हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा, 150 रुपये में ब्याज देना पड़ेगा, मतलब केस वन में। तो ये हमारा केस वन है, इसमें हमें कितना ब्याज देना पड़ रहा है 150 रुपये, ठीक है। ऐसे ही भी हम केस टू सॉल्व कर लेते हैं। केस टू के लिए भी देखिए टाइम तो कितना है, सेम है 10 सालों के लिए, ठीक। रेट देखिए यहाँ पर रेट कितना है, यहाँ क्या है 10% का रेट है, और प्रिंसिपल तो हमने वही एज्यूम कर लिया कि भाई 100 रुपये। तो देखिए अभी इसमें इंटरेस्ट निकाल के देखिए प्रिंसिपल कितना आएगा 100 रुपये, रेट कितना 10%, टाइम कितना 10% अपॉन 100 इक्वल टू, यहाँ पे आपको कितना देना पड़ेगा 100 रुपये। इसका मतलब इस वाले केस में आपको कितना देना पड़ रहा है 100 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है। देखिए अब आपको कितना ब्याज कम देना है, कम कितना देना है तो 150 पहले वाले केस में देना पड़ रहा था, अब 100 रुपये दूसरे वाले केस में देना पड़ रहा है, तो आपको कितना ब्याज कम देना है 50 रुपये आपको ब्याज कम देना है, ठीक है। आया आपको समझ में, 50 रुपये में ब्याज कम देना है दूसरे वाले केस में। तो इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ तक तो देखो बहुत आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कभी एग्जाम में आपको बोल दे कि भाई हमने क्या किया, 1 लाख रुपये उधार लिए, ठीक है, हमने 1 लाख रुपये उधार लिए, और उधार लेने के बाद में हमें सेम अगर क्वेश्चन दिया जाता कि अभी कोई राशि की जगह बोल दे कि हमने भाई कितना 1 लाख रुपये हमने उधार लिए, और सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन हो, तो देखो आपको सीधी सीधी बात पता चल चुकी है कि आपने क्या किया है, 100 रुपये पर आपको 50 रुपये कम देना है। जब आप 1 लाख रुपये आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा है ना। तो 1 लाख रुपये आप कैलकुलेट कर लें, 1 लाख हमारा ये हो गया, 15% का रेट है तो 15 रखिए, टाइम कितना है 10, आप इसको सॉल्व कर लो, तो हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा इस वाले केस के अंदर, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो कट कर लो, कितना बचा है 150, तो ये हो ही गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो हमें 1.5 लाख रुपये देने पड़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरे वाले केस में हमें कितना देना पड़ रहा है, क्या रेट है 10 का, रेट टाइम कितना 10 अपॉन 100, ये दोनों कट करें कितना मिला 100, तो ये हो ही गया, बाकी 3 जीरो यहाँ से बच गए 1, 2, 3, इन दोनों का डिफरेंस निकालने कितना हुआ 50,000, हमें कितना ब्याज कम देना पड़ेगा 50,000, ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे।